सर्टिफाइड इमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। देखो, रदरफोर्ड बहुत अच्छा इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग या हम कहें साइंटिस्ट था, नो डाउट। ही हैज गिवन अस अ मार्वलस थ्योरी एंड डन अ मार्वलस एक्सपेरिमेंट फॉर अस। बस उससे यही गलती हुई है बेटे, वो ये भूल गया कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड है। उसने ये कह दिया कि जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में। बट ही फॉरगेट्स दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब एक चार्ज पार्टिकल घूमता है, ठीक है, वो एक रेडिएशन अमिट करता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट करता है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब एनर्जी अमिट करता है, जब वो कोई एनर्जी अमिट करेगा तो उसको क्या होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल, आप एक सर्कुलर ट्रैक पे आपने ना क्या किया, एक छोटी सी कार, टॉय कार आपने ना छोड़ दी, चाबी देके, चाबी वाली चलती थी ना पहले, द सेम वे, वो चाबी वाली कार लेके ना आपने छोड़ दी। अब हुआ क्या, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, जैसे जैसे उसकी चाबी घूमेगी, अनवाइंड होगा, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, वो न्यूक्लियस के पास ऐसे 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 वो जो कार है वो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगी, और फाइनली उसको तो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए, मतलब इनसाइड चला जाना चाहिए। क्योंकि जब बेटे चार स्पीशीज घूमेगी, वो अपनी एनर्जी एमिट करेगी, किसी को भी आप चार्ज देते हो, जब वो कोई वर्क डन करेगी तो उसकी एनर्जी बाहर आएगी, जब उसकी एनर्जी बाहर आएगी उसको फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कार की एग्जांपल दी, टॉय कार की, आपने उसको चाबी देके छोड़ा हुआ है, और जब वो चाबी वो खुलेगी, द की विल अनवाइंड, तो व्हाट विल हैपन, द एनर्जी विल बी लॉस्ट, व्हेन एनर्जी विल बी लॉस्ट, द कार शुड मूव लाइक दिस ऑर्बिटल, नॉट इन द सर्कुलर ऑर्बिटल, उसको स्पाइरल ऑर्बिटल में घूमना शुरू कर देना चाहिए, और फाइनली क्या होना चाहिए, उस कार को बीच में आके स्टॉप हो जाना चाहिए। मीन्स यही काम हम इलेक्ट्रॉन के साथ करें, जो कि हमें रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, उसने एनर्जी की कोई बात नहीं करी है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो हमने ये कहा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अमिट करेंगे। अब उनकी जब एनर्जी कम होगी तो उसको आखिर में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा होता है कुछ कि एटम तो स्टेबल है, हम ये कहते हैं एटम इज वेरी मच स्टेबल, इट डजंट कोलैप्स, ठीक है। सो व्हाट इज द ड्रॉबैक टू कंक्लूड इट, कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, मींस व्हेन दे मूव, they emit electromagnetic radiation. When they will emit electromagnetic radiation on this kind of motion, the orbit should shrink. So atom should be unstable. But we know that atom is a stable. Okay. Second, Bohr ने आके electron की distribution भी कर बताई कि electron are distributed according to 2n square. कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 या सेकंड में 8 या 18 एंड सो ऑन। रदरफोर्ड डजंट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, रदरफोर्ड डजंट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, फर्स्ट। सेकंड, इट मॉडल शुड बी फेल्ड एंड द एटम शुड बी कोलैप्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, दे इमिट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड व्हेन दे विल अमिट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द ऑर्बिट कॉन्टिन्यू टू श्रिंक
as electron will move towards the nucleus, so the atom should be unstable. ठीक है, Rutherford doesn't explain the stability of the atom. Got the point? Getting it? Okay. So first is doesn't explain the stability. Second is it doesn't tell about, he doesn't tell about the electronic distribution. Varo, what are you sending in the messages? Am I audible to you everyone? As light has gone. Am I audible? Okay. So all of you clear with the limitation? Okay. All of you, ठीक है बेटे, जब कोई चार्ज स्पीशीज ग्रुप, देखो प्लैनेट चार्ज नहीं है, ध्यान से समझो, प्लैनेट चार्ज नहीं है. जब आप किसी चार्ज स्पीशीज को रिवॉल्व कराओगे ना, तो वो एनर्जी इमिट करेगी, वो अपनी चार्ज खत्म हो जाएगा उसका. बैटरी है आपने कार में, सेल डाल के छोड़ दिया, तो वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, तो स्टार्टिंग में तो उसकी एनर्जी भरी हुई है, और धीरे, एक स्पोर्ट्समैन को ही देख लो आप, कार की एग्जाम्पल क्या लेते हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन को देख लो, या आप यू हैव सीन द ट्वाइस, वो सर्कुलर से एक वो बॉल से आती थी और वो ऐसे 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 राउंड करके बीच में गिर जाता है, क्योंकि वो एनर्जी इमिट करता है ना, ऐसे ऐसे घूमता 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 लास्ट में वो बीच में गिर जाता है. इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो चार्ज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है. जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे ना, तो वो जो है घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए. ठीक है, फिर वो जो बोहर है ना, वो इतना इंटेलिजेंट है ना, वो कहेगा जब तक कोई अपने ऑर्बिट में घूमता है ना, तब तक वो एनर्जी नहीं एमिट करता. जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा ना, तब एनर्जी. और बोहर ने बड़े सही से आके एक्सप्लेन कर दिया इसी बात को, देन बोहर का मॉडल हमने एक्सेप्ट कर लिया. बाकी देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय रदरफोर्ड इट्सेल्फ. अगर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट ना किया होता, टुडे वी वर नॉट हैविंग द मॉडल which we are having now. Okay, so these are the two limitation. What are the limitation? Again, I am repeating for you, the limitation is that according to electromagnetic theory, when a charged particle accelerates, it emits certain kind of radiation which are known as electromagnetic radiations. Theek hai, which are electromagnetic radiation. And when electron will emit this kind of radiation, ultimately the electron must fall in the nucleus and orbit of the electron must shrink, continue to shrink. So atom is unstable. This it doesn't explain the stability of the atom. See? And it doesn't explain anything about the electronic distribution of electrons around the nucleus. Okay ji. Acha, uske baad bete, kyunki Rutherford ko bhi abhi neutrons ke bare mein kuch bhi nahi pata tha, aur na J.J. Thomson ko, par Rutherford hi tha, thoda syana tha wo. Rutherford ne jab mass nikala helium atom ke nucleus ka, उसने कहा अगर उसमें प्रोटोन है ना अकेले, तो प्रोटोन जितना मास आ जाना चाहिए, टू प्रोटोन जितना. मगर उसने क्या देखा कि जो मास है न्यूक्लियस का, वो प्रोटोन जितना तो आ नहीं रहा. अगर इसमें टू प्रोटोन्स हैं, तो ये प्रोटोन जितना नहीं आ रहा. ठीक है, इसका मतलब कुछ और भी होगा. फिर चलो चैडविक ने इसकी हेल्प करी आके. चैडविक ने कहा, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, तो डिस्कवरी हुई बेटे न्यूट्रॉन्स की. ठीक है, फिर डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है एटम. ठीक है, विच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द एटम. ठीक है, ये डिस्कवरी किसने करी? ये डिस्कवरी करी चैडविक ने. ओके, चैडविक ने जब डिस्कवरी करी, उसने क्या किया,
जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम के एटम्स लिए, अब बेरिलियम के एटम्स का बेटे एटॉमिक मास कितना है, 4, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, 4 एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को आप यहाँ दिखाते हो, एंड 9 इज एटॉमिक मास, वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, 9 इज एटॉमिक मास, ओके, इसको बम्बार्ड करवाया हीलियम के एटम के साथ, तो हीलियम का क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 एटॉमिक मास है, ठीक है, जब इसको बम्बार्ड करवाया तो ये दोनों को मिलके कितना एटॉमिक नंबर शो करना चाहिए था, 6 एटॉमिक नंबर बन जाना चाहिए था, तो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का, ठीक है, और इन दोनों को मिलके कितना बन जाना चाहिए था, 13, तो ये 12 आइसोटॉप 12 बना कार्बन का, और एक पार्टिकल अलग हो गया इन दोनों की जब इसके ऊपर ये बम्बार्ड करवाए, वो पार्टिकल था न्यूट्रॉन, ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन का मास होता है जी बेटे, वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, दैट इज 1.1675 × 10⁻², ठीक है, तो इसके बाद बेटे जी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के बाद, और ये भी चीज रदरफोर्ड नहीं सोची, हाँ जी मास क्यों ज्यादा है हीलियम का, ऐसा हीलियम का मास इतना ज्यादा है तो, मगर एक्सपेरिमेंट किया चैडविक ने, हाँ जेम्स चैडविक, ओके गॉट इट, समझ आ रही है, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद कंसेप्ट आते हैं बेटे एटॉमिक नंबर का, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मोर प्रिसाइजली एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे कैन बी गिवन और लूज और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन्स में, जब न्यूक्लियर रिएक्टिविटी स्टडी करते हो, ये रिएक्शन स्टडी करते हो, देन ओनली वी सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, अदरवाइज इन डे टू डे केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम, बट मोर प्रिसाइजली एटॉमिक नंबर इज सजेस्ट टू बी इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, एंड मास नंबर इज द मास जो किसमें है, न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटोन भी हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी, ठीक है, तो जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो व्हाट इज मास नंबर, इट इज द नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है बेटे, तो 1 इज अटोमिक नंबर एंड 1 इज मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स, एंड मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इफ एक्स इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो जैसे बेरिलियम एक सिंबल है, बी इज अ सिंबल ऑफ बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर को हम ए से, सॉरी मास नंबर को हम ए से बताते हैं, चाहे वो एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है, मास नंबर को हम ए से बताते हैं, एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर जेड, तो किसी भी एलिमेंट का जब हमने दोनों चीजें बतानी होती है तो यहाँ पे हम मास नंबर लिखते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था एटॉमिक नंबर, द सेम है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था मास नंबर और यहाँ पे क्या लिखा था एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटे,
एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन. सो मोर प्रिसाइसली वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास. यू नो दैट होल ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. व्हाट द पॉइंट? ठीक है, so you will find different mass number of different elements, atomic number of different elements. We'll see to it on Saturday. Until then, happy Lodi. And Gurshan, definitely you will send me the attendance, and from the next class your video must be on and you will be giving the answers. Okay, chalo, theek hai.